माँ की मोहब्बत, माँ का प्यार, उसकी जो मींस लिमिट है हम काउंट नहीं कर सकते, और इसका इजहार भी शायद अपने वर्ड्स में नहीं कर सकते। ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, हम खुदावंत का शुक्र करते हैं इस बड़े गिफ्ट के लिए। इसका आगाज कैसे हुआ और आज हम कैसे इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं इस बात को आपको बताना चाहती हूँ। यकीन आप सब में, आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे। इसका आगाज 1905 में यूएसए से हुआ, यूएसए में हुआ, जिस एक औरत के वसीला से जिसका नाम एना जार्विस था। उसने अपनी माँ के मरने के बाद उसकी याद में मेमोरियल सर्विस का इंतजाम किया और सबको बुलाया, और उसकी वो खूबसूरत बातें जो उसकी यादें थी और उसकी परवरिश में जो उसकी माँ ने किरदार अदा किया, उसने उन सब के सामने बयान किया और उस मोहब्बत का इजहार किया जो वो अपनी माँ से करती थी। तो उस वक्त से फिर इसका आगाज हुआ कि हमने मदर्स डे सेलिब्रेट करने, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत खूबसूरत बात है कि हम सब मिलकर एक हर साल अपनी माओं को खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी सारी काविशों को, सारी एफर्ट्स को, जितनी भी माएँ हैं, चाहे वो छोटे बच्चों की, चाहे बड़े बच्चों की, चाहे वो ग्रैंड मदर्स हैं, उन सब की हौसला अफजाई करते हैं और उनके लिए बरकत मांगते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं और उनके लिए दुआ करती हैं। खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ हो इस दिन के लिए जो कि आलमगीर तौर पर मनाया जाता है। अजीजों, अब हम जाएंगे दूसरी साइड पर, पिब्लिकली खुदावंद हमें क्या सिखाता है और हमारी मदर्स की अहमियत, जो कि कहते हैं कि हमारे आसमानी खुदा के बाद जो दर्जा दिया जाता है वो माँ ही का है, और माँ को इस कदर अहमियत क्यों दी गई है। मैं चाहूंगी कि हम इस टॉपिक को देखने से पहले अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। एक मिनट के लिए हम अपने आप को खुदावंत की हजूरी में देंगे और शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। आए हम सब जितने भी मौजूद हैं, बहन भाई जहां जहां भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, हमारी इबादत का हिस्सा बन चुके हैं एक खानदान की सूरत में, अपने अपने घरों में जहां जहां भी आप मौजूद हैं, अपने सर को झुकाएं, हालेलुया, अपने आप को खुदा के ताबे करें ताकि हम माँ की अहमियत को, माँ की मोहब्बत को पूरे तौर पर जान सके और हम पूरे दिल से उसकी शुक्रगुजारी करने वाले हों। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, we give you glory, we give you honor, we give you praise, father, tera shukr ho, teri tareef ho, teri tamjeed ho, jalali baap tera shukr karte hain is khaas din ke liye jo tune khudaund hame bakhsha ka hum ise celebrate kare aur khudaund duniya ki tamam maaon ko yaad kare aur teri shukrguzari kare is waqt jitne bhi behan bhai bete beti hamare saath is ibadat mein sharik hain, hallelujah, ho chuke hain ya baad mein honge, khudaund un sab ke liye main teri barkat ko mangti hu aur sab ki mothers ke liye barkat ko mangti hu, tera fazl सब पर रहे और खुदावंद बख्श दे कि हम आज जो कुछ भी तेरे कलाम में से सीखें, खुदावंद उसको अंडरस्टैंड करें और जान सके कि खुदावंद माँ का दर्जा हमारी जिंदगियों में किस कदर बुलंद है। हालेलुया, तेरा शुक्र हो यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, अजीजो, हम सब माँ की अहमियत को जानते हैं। कहा जाता है कि मदर इज अ प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड ऑन दिस अर्थ, सबसे बड़ा कीमती तोहफा इस सरजमीन पर सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो माँ है जो खुदा ने हमारे लिए भेजा है। खुदा के बाद वही हस्ती है। हालेलुया, वी आर बॉर्न ऑफ लव एंड लव इज आवर मदर। कितनी खूबसूरत बात की गई है, हम मोहब्बत में पैदा हुए हैं और वो मोहब्बत कौन है? माँ है, मोहब्बत में पैदा हुए। कितनी खूबसूरत बात की गई, वी आर बॉर्न ऑफ लव एंड लव इज आवर मदर। हालेलुया, खुदा जिंदा खुदा ने माँ को मोहब्बत बना कर भेजा इस सरजमीन पर। माँ को इस कदर अहमियत क्यों दी गई है कलामे मुकद्दस ने? आज हम चंद बातें सीखेंगे। बेशक हम हर बार जब भी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। एक बार फिर हम देखेंगे खुदा के कलाम में से, देखेंगे यसाया 49 वर्स 15 वर्ड से, देखिएगा यसाया की मार्फत लिखा गया बयान, 49 चैप्टर
Isaiah 49 verse 15, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरख्वार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। अजीजों, खुदावंत खुदा हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तमाम लोगों से क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये मुमकिन है कि एक माँ अपने शीरख्वार बच्चे को भूल जाए? यानी खुदा खुद कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को नहीं भूल सकती। आप मुझे जवाब दो कि क्या एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? नहीं। इसीलिए खुदा ये क्वेश्चन करता है। लेकिन खुदावंत, क्योंकि खुदा की मोहब्बत उससे ज्यादा बुलंद है, क्योंकि क्रिएटर वो है और उसी ने हम सबको बनाया है और वही माँ के वसीला से हम सबको इस दुनिया में लाने वाला है, इसलिए सिर्फ वही ये कह सकता है कि हाँ, शायद वो भूल जाए। शायद का लफ्ज आया है, शायद ऐसा मुमकिन हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। यहाँ पर खुदावंद माँ की अहमियत को बता रही है कि एक माँ अपने बच्चे को नहीं भूलती। हालेलुया। खुदावंद ने अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत से तशबीह दी है। किस कदर बड़ी बात है तमाम माओं के लिए, और ये हकीकत है। इसीलिए कहा जाता है कि जन्नत जो है माँ के कदमों के नीचे है। यानी फिरदौस में अगर जाना है तो अपनी माँ की इज्जत करनी है, क्योंकि वो इस कदर अपने बच्चों के लिए करती है कि जितना कोई इंसान इस जमीन पर नहीं कर सकता। Psalms 139 verse 13 to 16 में मेंशन है, मैं सिर्फ एक आयत पढ़ूंगी। क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया है, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। जब इंसान माँ के बतन में परवरिश पा रहा होता है, सबसे पहले खुदा बाप उसको देख रहा है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ माँ है जो 9 मंथ तक उसको अपने बदन के अंदर महसूस करती है, और उस मोहब्बत को बाप से पहले, यानी उसके दुनिया में आने से पहले ही उसमें मुलव्विस हो जाती है, और उसका एक एक दिन उस बच्चे की हरकत और सकनात के साथ गुजरता है। इसलिए माँ का दर्जा इस कदर बुलंद है। खुदा बाप के बाद यही वो रीजन है कि माँ की मोहब्बत के जैसी कोई और मोहब्बत नहीं है, क्योंकि माँ ही के वसीला से इंसान इस दुनिया में आता है, और माँ फुल 9 मंथ उस बच्चे को अपने पेट में जब रखती है तो उसकी मोहब्बत बेलॉस हो जाती है, उसके जैसी कोई नहीं होती। ये रीजन है कि माँ की मोहब्बत जैसी कोई मोहब्बत नहीं है। ये वो टाइम पीरियड है जो कोई बाप नहीं जान सकता, ना कोई और जान सकता है, सिर्फ और सिर्फ माँ ही जान सकती है जो अपने बच्चे को जन्म देती है। यही वजह है कि कहते हैं कि माँ अपनी सारी तकलीफ को जो उसने 9 मंथ में और टाइम ऑफ डिलीवरी में महसूस की होती है, जब अपने बच्चे को देखती है तो वो सब कुछ भूल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहते हैं कि खुदा मोहब्बत है और ये हकीकत है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। हालेलुया। और इसका जिक्र जॉन 16:3 में किया गया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा पूरी दुनिया से ऐसी मोहब्बत करता है। अब वही मोहब्बत खुदा ने माँ के दिल में डाल दी। माँ खुदा की सूरत में है, खुदा के रूप में है। आगे में जाकर आपको ये सारी बातें बताऊंगी, कैसे कैसे ये मुमकिन है और कैसे हम कह सकते हैं। वी विल प्रूव दैट इट इज नॉट ओनली आई एम सेइंग, इट इज ट्रू एंड एवरीवन नोज। हर छोटा बड़ा, दूध पीता बच्चा, बड़ा बच्चा, एडल्ट, इवन बुजुर्ग भी इस बात को जानते हैं, और वो कहते हैं कि माँ जैसा कोई नहीं। वो भी रियलाइज करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि माँ माँ ही है।
हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। जॉन 3:1 में लिखा है, द लेटर ऑफ जॉन, फर्स्ट जॉन चैप्टर 3:1, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। खुदा अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, हम खुदा के फर्जंद हैं। और जब हम खुदा के फर्जंद हैं तो वही फर्जंद जो है वो अपनी माँ के और बाप के भी फर्जंद बनते हैं, और उसी मोहब्बत में हालेलुया जो उसने माँ के वसीला से डाली बाप की, हालेलुया वो माँ के वसीला से हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं। और माँ की मोहब्बत लाजवाल अनकंडीशनल मोहब्बत जो है वो खुदा बाप से तशबीह दी गई है, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत रेफरेंस मोहब्बत के ताल्लुक से, और मैं यहाँ पर अब आपको मैं ये बताने लगी हूँ कि इतना बड़ा उत्तम दर्जा क्यों माँ की मोहब्बत को दिया गया है, इतने बड़े बड़े अलकाब या खताब क्यों दिए गए हैं, क्या ये सिर्फ रिटर्न में कही गई बातें हैं या देखी या सुनी हुई सुनाई बातें हैं या फिर प्रैक्टिकल की हुई बातें हैं। प्रैक्टिकली हम सब जानते हैं, लेकिन खुदा के कलाम में से भी देखेंगे कि खुदा वाकई ही जो कुछ कह रहा है वो सच है। मोहब्बत के बारे में जो खुदा की मोहब्बत है उसका जिक्र हम देखते हैं फर्स्ट करंथियों चैप्टर 13:1-13 में किया गया। पहला करंथियों का खत, द लेटर ऑफ फर्स्ट करंथियों चैप्टर 13, फर्स्ट 13 वर्सेस में मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं इसको साथ साथ लूंगी शॉर्ट, फर्स्ट चंद वर्सेस में आपके सामने जरूर पढ़ूंगी ताकि आपको ये रिमाइंड हो जाए कि हम किस टॉपिक पे बात करने लगे हैं। चौथी आयत से सातवीं आयत, फर्स्ट लेटर टू करंथियन फ्रॉम पॉल चैप्टर 13:4-7, कलाम खुदा में लिखा है, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों को बर्दाश्त करती है। साथ ही आज तक मैंने आपके सामने पढ़ा। अब ये मोहब्बत की तारीफ की, ये मोहब्बत है क्या? ये है वो मोहब्बत जो खुदा की है। खुदा की मोहब्बत को चैप्टर 13 में पॉल ने वाज़े तौर पर बता दिया है कि खुदा की मोहब्बत कैसी है और वो कैसे हमसे प्यार करता है। जब हम इस लेटर को, इस चैप्टर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम यकीन कर लेते हैं, हमें समझ आती है, अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि खुदा की मोहब्बत क्या है और उसने कैसे की है। अब हम रिलेट करेंगे कि खुदावंद ने जब अपने बाद मोहब्बत में सेकेंड दर्जा जो है माँ को दिया है तो इसकी क्या वजह है। इसी चैप्टर में से हम चंद एक बातों को रिलेट करेंगे क्योंकि सारी बातों को हम मेंशन नहीं कर सकते टाइम की वजह से। तो पहली बात, मोहब्बत की खूबियां जो बयान की है उसमें से मैंने चंद एक बातों को लिया है। मोहब्बत पहली वर्स जो है, पहली वर्स का पहला वर्ड जो है मोहब्बत साबिर है। मोहब्बत साबिर है, क्या है जी? मोहब्बत सब्र करती। हमारा खुदा जो है वो भी मोहब्बत में साबिर है, सब्र करने वाला है। हम चाहे उससे मोहब्बत करें ना करें मगर वो हमसे प्यार करता है, करता रहता है, करता था और करता रहेगा। वो सब्र से मोहब्बत करता है। और हम देखते हैं कि हमारी माएं भी, हम सब माँ के बगैर इस दुनिया में नहीं आए। हम सब जानते हैं अपने चाइल्डहुड को, अपने बचपन के दौर को, कि हमारी माओ ने, हमारे बाप ने या हमारे पेरेंट्स से किस कदर से मोहब्बत रखी। खासतौर पर माओ का जिक्र इसलिए हो रहा है तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि माँ की मोहब्बत भी साबिर है, बहुत सब्र करती है। बच्चे, औलाद चाहे कुछ भी एटीट्यूड करें या बुरा रवैया भी रखें, लेकिन उसका काम शफकत करना है। जिस तरह खुदा शफीक है,
शफकत करने में गनी है, मेहरबान है। इसी तरह माँ की मोहब्बत भी साबिर है और वो हर चीज को सब्र से बर्दाश्त करती है। ये एक खास गिफ्ट खुदा ने माँ को दिया है। रिलेट कर रही हूं मैं बाप की मोहब्बत और माँ की, और आप सब अपनी अपनी जगह पर जहां जहां भी आप हैं, आप अपनी अपनी माओ को याद कीजिए, या आपके साथ है, मौजूद है, उनको आप देख सकते हैं, उनकी मोहब्बत को देख सकते हैं जो रीसेंट आपके साथ मींस ताल्लुकात में है, रिलेशनशिप में है, माएं हयात है, जिनकी माएं जा चुके हैं वो भी याद करते हैं इस दिन पे। बल्कि हर दिन मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा दिन नहीं होता कि हम अपनी माँ को याद ना करें और उसकी मोहब्बत को ना याद करें। तो अजीज, पहली खूबी जो है बाप की मोहब्बत की और माँ की, माँ की मोहब्बत की सेम जो है वो ये है, मोहब्बत साबिर है, माँ भी साबिर है। दूसरी बात, माँ की मोहब्बत गैर मशरूत मींस अनकंडीशनल लव। गॉड्स लव इज अनकंडीशनल। हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि खुदा की मोहब्बत बगैर शर्त के है, बगैर कंडीशन के है। वो इस कदर प्यार करता है कि वो हमें देखता ही नहीं कि हम उससे प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मगर वो हमें करता है क्योंकि उसने हमें पैदा किया। और कैसे पैदा किया? अपनी शबीह पर बनाया, अपनी सूरत पर बनाया है, इसलिए वो हमसे प्यार करता है और उसकी मोहब्बत अनकंडीशनल है। चाहे हम करें या ना करें, ये हमारी चॉइस है, मगर उसकी चॉइस क्या है कि उसने प्यार करना ही है। चाहे हम खताकार हैं, चाहे हम गुनाहगार हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम उसके खिलाफ है, चाहे हम उसे जानते हैं या नहीं जानते, फिर भी वो हमसे प्यार करता है। इसी तरह माँ की मोहब्बत है, वो ये नहीं देखती क्या ये मेरा बेटा या ये मेरी बेटी मुझसे प्यार नहीं करता, या मुझसे बदतमीजी करता है, या मेरी फरमाबरदारी नहीं करता, या मुझे रिवार्ड में कुछ नहीं देता, मगर फिर भी माँ का काम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत ही करना है। मींस द मदर्स लव इज आल्सो अनकंडीशनल। माँ का प्यार भी अनकंडीशनल है, बगैर किसी शर्त के है। चाहे हम करें या ना करें, उसने करते ही रहना है। चाहे हम छोटे हों, चाहे हम दूध पीते हों, चाहे हम शीरख्वार हों, चाहे हम एडल्ट हो जाएं, चाहे हम बचपन में हों, चाहे हम बड़े भी हो जाएं, बूढ़े भी हो जाएं। हम अपनी एग्जाम्पल्स देखते हैं, हमारे बच्चे जो है अब शादीशुदा हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर आई वॉज देयर विथ माई चिल्ड्रन इन लास्ट जुलाई। तो जब वो हमारे बच्चों के भी बच्चे हैं खुदा उनके फजल से, तो मुझे याद आ गया अचानक से कि जब वो अपने बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं, जब सब यूनाइटेड होते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने हाथ से उनके मुंह में साथ साथ डालती चली जाती हूँ और वो अपने बच्चों के मुंह में डाल देते हैं। उनको पता भी नहीं चल रहा होता कि हमारी माँ हमें खिला रही है, और मैं उनको खिलाती जाती हूँ, और बाद में वो बीच बीच में बातें करते हुए देखते हैं कि माँ हमें भी खिला रही है। तो माँ को अपने बच्चों का ये नहीं है कि छोटे या बड़े हैं, वो हर वक्त उनका ख्याल रखती है और उनसे प्यार करती है और उनसे मोहब्बत करती है। चाहे बच्चे चाहे लड़ाई झगड़ा भी कर ले, नाराज भी हो जाए, लेकिन माँ की मोहब्बत अनकंडीशनल। उसने कभी भी ये नहीं कहना कि अगर मेरे बच्चों ने मोहब्बत नहीं की या बदतमीजी की तो मैं उनसे प्यार ना करूं। दैट इज व्हाई द मदर्स लव इज लाइक गॉड्स लव, अनकंडीशनल लव। हालेलुया। द थर्ड थिंग, मोहब्बत मेहरबान है। हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात है। मोहब्बत मेहरबान है, यानी खुदा की मोहब्बत मेहरबान। उसका काम ही मेहरबानी करना है। वो है ही इसलिए कि वो मेहरबान खुदा है। उसकी खासियत है, उसकी खूबी है कि वो मेहरबानी ही करेगा। मेहरबान मेहरबान मेहरबान, निहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान। हालेलुया। तो माँ की शफकत भी हमेशा मेहरबानी ही करती है। वो कभी बदला लेगी अपने बच्चों से? नहीं। कभी ऐसा हो सकता है? नहीं। कभी किसी माँ ने बदला लिया? नहीं। बल्कि माएं अपने बच्चों की गलतियों को छुपाएंगी, और अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो उनको इग्नोर करेंगी और फौरन उन्हें अपनी गोद में लेंगी और उनको प्यार करेंगी और उनके लिए बरकत चाहेंगी। ये है वो मोहब्बत, मेहरबान मोहब्बत। ये है वो मोहब्बत जिसका जिक्र पॉल ने किया है, जो खुदा की मोहब्बत और माँ की मोहब्बत से सेम मुताबिकत रखती है। इसलिए माँ को खुदा के बाद अव्वल दर्जा दिया है। तमाम रिश्तों से बढ़कर ये अजीज तरीन, कीमती तरीन, खूबसूरत तरीन, बाबरकत तरीन, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, हर तरह से माँ अपने बच्चे के लिए हर वक्त मेहरबान रहती है।
अपने मुंह के निवाले निकाल कर उनको खिलाना जानती है। हालेलुया। आगे देखेंगे, इसी में से मैं देख रही हूँ मोहब्बत क्या है, वर्स जो है नेक्स्ट, मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती। हालेलुया। इसी में ये सारी बातें जो हमने पढ़ी, मैंने चंद देख ली है, मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती। हम सब जानते हैं जब सेल्फिश मोहब्बत होती है, सेल्फिश लव होता है, तो वो लव क्या होता है, अपनी बेहतरी चाहता है। लेकिन हमारे खुदा की मोहब्बत भी कभी भी अपने लिए नहीं, वो हमसे प्यार करता। गुलामी खुदा में लिखा, जब हम गुनाहगार ही थे तो उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। वो इस कदर मोहब्बत करता है कि वो हमसे सिर्फ और सिर्फ प्यार ही करता है। ये नहीं चाहता कि मैं इस मोहब्बत से किसी किस्म का अजर या रिवार्ड ले रहा हूं, इस वजह से मुझे मोहब्बत करनी अपने बेटों बेटियों से या पूरी दुनिया से। नो, दैट इज नॉट हिज एटीट्यूड। गॉड इज लव, गॉड इज लव, हिज लव इज फॉरएवर एंड एवर लास्टिंग। हालेलुया। वो हमसे प्यार करता था, करता है और करता रहेगा टिल द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। याद रखे, खुदा की मोहब्बत अजली है, अबदी है, लाजवाल है। और बिल्कुल इसी तरह माँ भी अपनी बेहतरी के लिए हमसे मोहब्बत नहीं करती कि अगर मैं किसी अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करूंगी तो मेरे लिए ज्यादा केयर करेगा, या मेरा ख्याल रखेगा, या मेरी जरूरियात को पूरा करेगा, या मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है अजीजों। माँ की मोहब्बत अपनी बेहतरी के लिए नहीं है, वो उसके बच्चों की बेहतरी के लिए, कि वो उनकी बेहतरी चाहती है, वो अच्छे इंसान बन जाएं, उनकी अच्छी परवरिश हो, उनकी सारी जरूरियात पूरी हो और वो माशरे में इज्जत पाए, वो खुदा की नजर में मकबूल ठहरे। और यही वजह है कि माँ वो पहली दरसगाह है जो अपने बच्चों को रूहानी तालीम भी देती है और दुनियावी तालीम से भी माला माल करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट बात है क्या है, मोहब्बत, सातवीं आयत में, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। कितनी खूबसूरत बात है, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है ना, ये बात हकीकत में। एक मुझे बात याद आ रही है, अक्सर जो मीन्स अगर नौजवान लड़के लड़कियां किसी से प्यार करते हैं शादी से पहले, तो लड़के क्या कहते हैं, मैं तो तेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ लाऊंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, बहुत बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी ले लूंगा, बड़ा सब बंगला ले लूंगा, जो कुछ तो कहेगी मैं वही करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत जल्द उनको पता चल जाता है कि ये सब झूठ है, कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। खुदावंद जिंदा खुदा जो है वो सब कुछ करता है, वो कोई इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। जब वक्त आता है तो फिर आराम से वो एक्सक्यूज कर लेते हैं, मगर हमारा जिंदा खुदा ऐसी मोहब्बत नहीं करता। वो हमारी सारी मुश्किलों को, हमारी सारी मुसीबतों को जानता है और उनको सहता है और उनको बर्दाश्त करता है और हमें उनमें से निकालता है, और वो बर्दाश्त करता ही रहता है कंटिन्यूसली हमारी जिंदगी के एंड तक, वो ऐसा ही करता रहेगा। बेशक हम ईमानदार हैं, वफादार हैं, उससे प्यार करते हैं, हम डेडिकेट हुए हुए लोग हैं, उसने हमारा कीमती फिदिया दिया है, कुफारत दिया है, सब कुछ उसने हमें दे दिया, मगर इसके बावजूद भी हम बेवफा हो जाते हैं, मगर फिर भी वो हमें बर्दाश्त करता रहता है, करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने हमारी खातिर अपने पाक और बेऐब खून को बहाया और उसने वो आलीशान मकान तैयार किया है। हालेलुया, जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी कि एक न्यू कपल सोचता है कि शायद हम ऐसी मेंशंस में चले जाएंगे, शादी करेंगे और मैं कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो कर दूंगा, मगर एक ही हस्ती है जो ये सब कुछ कर सकती है, वो हमारा जिंदा खुदा है, जिसने अपने पाक कीमती खून को बहाकर हमारे लिए आलीशान मेंशंस, हालेलुया, आसमानी बादशाही में तैयार की है।
और वो आसमानी बादशाही है जिसके लिए हमने उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना है। और यही वजह है कि वो हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम इस सरजमीन पर जब तक हैं उसके साथ रहें। और जैसे जैसे हम गलतियां खताएं करते रहते हैं वो बर्दाश्त करता है, फिर हमें उठाता है, फिर खड़ा करता है। फिर इसीलिए कहते हैं कि शादी का अगर 100 बार भी गिरे तो मैं उसे उठाकर खड़ा करूंगा, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। और अजीजों मैं बताना चाहती हूँ, साथ साथ रिलेट करी हूँ, माँ की मोहब्बत भी सेम ऐसी ही है, वो भी सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है। आप सब अगर एज ए मदर्स अपनी अपनी यादों को ताजा करें तो आपको एहसास होगा, नजर आएगा, याद आएगा किस किस जगह पर मैंने सहा और मैं सह रही हूँ और मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। अपनी जिंदगी के बहुत से दिनों को याद करें और याद आएंगे भी और आ भी रहेंगे कि हाँ, ऐसा वक्त बहुत दफा जिंदगी में आता है कि जब हमारे बच्चे किसी भी तरह से हमारे साथ ऐसे इस तौर पर बिहेव करते हैं कि शायद हम सोचते हैं कि मुश्किल है हमारे लिए बर्दाश्त करना, लेकिन हम एज ए मदर्स होते हुए हम उस बात को बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि वो मोहब्बत जो हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं अपनी जिंदगी में कोई और नहीं रख सकता। वही मोहब्बत जो खुदा की है, जिसने हमें बर्दाश्त करने की कुव्वत दी है एज ए मदर, उसको हम बर्दाश्त करते हैं और अपने बच्चों के ऊपर फिर मोहब्बत भर हाथ रख कर फिर उनको दिलासा देते हैं। और बजाय इसके के हम उनसे नाराज हों, हालेलुया, हम उनसे सुलह करते हैं। और ये है हमारा खुदा जो बार बार हमें अपने पास बुलाता है और अपना शफकत भरा हाथ हमारे सर पर वापस रख लेता है और हमें कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आ। खूबसूरत मिसाल हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से मुशरफ बेटे की कहानी, कि जब वो इंतजार कर रहा होता है। ऐसे ही माँ बाप होते हैं, ऐसे ही माँ होती है कि कब मेरा बेटा वापिस मेरे पास आएगा। वो आए भी ना तो वो खुद उसकी तरफ चली जाती है और उसको अपनी गोद में ले लेती है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माँ सब कुछ बर्दाश्त करती है बचपन से लेकर आखिर तक। और ये तो बहुत ही खूबसूरत जुमला है, ये भी अक्सर सुनने में आते हैं, मोहब्बत को जवाल नहीं है, देयर इज नो एंड इन लव, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और यही खुदा की मोहब्बत है जो कंटिन्यूस कर रहा है, करता रहेगा। और माँ की मोहब्बत भी कंटिन्यूस होती है, ये गिव एंड टेक वाली मोहब्बत नहीं है कि अगर वो मुझे करेंगे, मेरे बच्चे करेंगे तो मैं करूंगी। नो, दैट इज फॉरएवर एंड एवर। एज ए मदर शी वाज लविंग यू, शी इज लविंग यू एंड शी विल बी लविंग यू इन ऑल योर सिचुएशंस, अच्छी है या बुरी है, वो प्यार करती थी, करती है और करती रहेगी। ये है वो मोहब्बत जो everlasting है, जो हमेशा रहती है, जो खुदा की मोहब्बत से तशबीह दी गई है। इसलिए खुदा ने माँ को अव्वल दर्जा दिया है, वो दर्जा दिया है जो किसी भी रिश्ते को इस सरजमीन पर नहीं मिला। मोहब्बत दायमी है, जिसका जिक्र हम देखते हैं 1 Corinthians 13:13 में, गर्ज ईमान उम्मीद मोहब्बत तीनों दायमी है मगर अफजल इनमें अफजल क्या है, मोहब्बत है। मोहब्बत हमेशा रहती है, कभी खत्म नहीं होती, हमेशा रहती है। अजीजों, चंद एक बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं कलाम में से, कि क्यों खुदा ने माँ की मोहब्बत को इतना अहम करार दिया है और अव्वल दर्जा दिया है। अब ऐसे चिल्ड्रन होते हुए, बच्चे होते हुए, औलाद होते हुए, हम सब औलाद हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे, बेटे बेटियां बने हैं, किसी भी एज में है चाहे, हमारा क्या फर्ज है। अब माँ जो कि दिन रात बच्चों के लिए एक कर देती है, ना उसको अपने आराम का ख्याल रहता है, ना उसको अपने सोने का ख्याल रहता है, ना उसको अपने आप को मेंटेन करने का ख्याल रहता है। जब छोटा बच्चा होता है कई महीने तक उसको उसकी वजह से अपने आप को मारना पड़ता है, और ना सिर्फ एक साल डेढ़ साल तक, बल्कि मैं समझती 4-5 साल तक माँ जो है हर एक बच्चे के साथ 5 years तक टोटली अटैच रहती है। और इसी तरह जिंदगी के हर हिस्से में, आज हमारे बच्चे चाहे बहुत बड़े भी हो चुके हैं, मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में एक भी दिन शायद ऐसा नहीं आया होगा जब मैं अपने बच्चों के साथ इन टच ना हुई। एवरी डे मैं अपने लबों से उनके लिए दुआ करती हूँ, वो सब हमसे दूर है, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं चाहे वो सुने या ना सुने,
मगर मुझे ये है कि मैंने अपने बच्चों के लिए दुआ की है, क्योंकि माँ की दुआ में बहुत ज्यादा बरकत पाई जाती है और ये खुदा चाहता है कि अपने बच्चों के लिए दुआ करें। एज ए मदर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके बच्चे आप लोगों से दूर हैं तो आप जरूर उनके लिए हर रोज आजकल मीडिया का दौर है, हम जानते हैं कितना आसान है उनके लिए दुआ करना, तो जिस तरह हम आम खिदमत में करते हैं अपने बच्चों के लिए भी डेली दुआ करें और उनके लिए बरकत चाहें और उनके साथ इन टच रहे, ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके साथ गुजारे। ऐसे मदर में बात कर रही हूँ। अब बच्चों की क्या जिम्मेदारी है, कलाम खुदा में लिखा है इम्साल 23:22 में बच्चों के लिए दरख्वास्त है, ये बाप कर रहा है, आसमानी बाप औलाद से क्या चाहता है, अपनी माँ की किस तरह रिस्पेक्ट करनी है। प्रोवर्ब 23:22, अपनी माँ को बुढ़ापे में हकीर ना जान। शॉर्ट करना चाहूंगी, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा बयान कर रही हूं ताकि वक्त बचे। अपनी माँ को बुढ़ापे में हकीर ना जान। अजीजो, खुदावंद नहीं चाहता कि बाज़ों का तो ऐसा हो जाता है, हम देखते भी अपने माशरे में कि माँ को या बाप को जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी कदर, उनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है और वो सोचते हैं कि अब ये बोझ है हमारे ऊपर, अब तो अच्छी बात है कि ये इस सरजमीन से चले ही जाए, और जो उनकी जरूरियात होती है, जो उनकी उनको जरूरत होती है इस सरजमीन पर रहते हुए, जिनकी उनको अशद जरूरत है, जो बुनियादी जरूरतें होती है उनको पूरा करने में भी कई बच्चे इस तरह कतराते हैं कि वो उनको बुरे हाल में छोड़ देते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं कि उनकी माँ ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, एक एक दिन माँ ने उनके साथ गुजारा है, उनको आराम दिया है, खुद तकलीफ उठाई, उनको सुलाया है, खुद जागी है। अजीजों, खुदावन चाहता है कि जब वो इस एज में आए तो उस वक्त माँ बाप की इज्जत करना, उनकी परवरिश में, उनकी परवरिश मीन्स उनकी देखभाल करना बच्चों का फर्ज है, उनकी ड्यूटी हो जाती है। और ऐसे बच्चों के लिए खुदा के कलाम में इफ़सियों के खत में लिखा है कि जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, खुदावंद उनके लिए हमेशा भलाई करता है और उनकी उम्र इस सरजमीन पर दराज होती है। इसलिए हमारा पहला फर्ज यह है कि हम अपनी माँ को हकीर ना जाने जब वो बुढ़ापे की एज में हो और जब वो अच्छी एज में उस वक्त भी, मगर खास तौर पर उस वक्त जब वो बुढ़ापे की एज में होते। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर जितने भी बेटे बेटियां नौजवान या एडल्ट्स जो बच्चों वाले हैं या इस एज में हैं या उनके माँ बाप इस एज में हैं, तो आप इस बात को, खुदा की एक आवाज को सुने और अपनी जिंदगी में इस कमजोरी को दूर करें, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल बरकत आप पाएंगे अगर आप माँ बाप की इज्जत करेंगे, आपकी नस्लें भलाई देखेंगी, आपकी जनरेशंस बरकत पाएंगी। एक और जो लास्ट बात मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है प्रोवर्ब चैप्टर 30:31 इम्साल 30:31 आयत, लास्ट वर्स ऑफ 31st चैप्टर की 31st वर्स, उसकी मेहनत का अजर उसे दे और उसके कामों से मजलिस में उसकी सिताइश करे। हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात है। माएं अपने बच्चों को मैं देखती हूँ हर वक्त मोटिवेट करती है, चाहे छोटा सा भी कोई काम करे तो कितना ज्यादा उनको अप्रिशिएट करती है। मैं अपनी एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं हर रोज पता नहीं अपने बच्चों को कितनी दफा, हर एक छोटा सा भी कोई काम करते हैं मैं उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हूँ, और कितनी लंबी लंबी मोटिवेशन होती है रिटर्न में अगर हो तब भी, और अगर वॉइस मैसेज में हो तब भी। तो हाँ, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है कि माँ के लिए जब वो इतना कुछ करती है तो हमारा भी काम है, बच्चों का भी काम है कि वो अपनी माँ को इसका अजर दे, उसका रिवार्ड दे, यानी उसके कामों का बयान करें, यानी दूसरों के सामने अप्रिशिएट करें, उसकी हौसला अफजाई करें, लोगों को बताएं कि हमारी माँ कितनी अच्छी है, कितनी गुड है, उन्होंने इस मकाम तक हमें पहुंचाया है। आज मैं बड़े फखर से आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं पर्सनली शख्सी तौर पर, मैं और मेरे बहन भाई, मेरा पूरा घराना, जो कुछ भी है आज मेरी माँ की बदौलत और मेरे बाप की बदौलत है। और हम मैच्योर होने से पहले, बादशाह होने से पहले ही हमारे माँ बाप ने, खास तौर पर माँ ने
हमें उस राह पर लगा दिया था जिस राह पर हमें जाना था। माँ ही वो हस्ती है जो हमें बाप तक पहुंचाती है, ये हकीकत है। अजीजों, माँ का दर्जा बहुत बुलंद है। इसलिए तमाम नौजवान बेटों बेटियों को और एडल्ट्स लोगों को जिनके बच्चे हैं, वो भी हमारे बेटे हैं, उन सब से ये खुदावंद के कलाम की तरफ आवाज है कि आप अपने माँ की इज्जत करें, बाप की इज्जत करें और उनको वो दर्जा दें जो उनको देना चाहिए, जिसकी जरूरत है, जिसका तकाजा खुदावंद का कलाम करता है, खुदावंद खुद कहता है, ताकि आपकी भलाई हो, आपका भला हो और आपकी उम्र दराज हो। और ये ब्लेसिंग, जिस तरह आप अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, कल को जब आप इस एज में जाएंगे तो आपके बच्चे भी इसी तरह आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि ये ब्लेसिंग जनरेशन तक चलती है, ये खुदावंद का वादा है। खुदावंद चाहता है कि आज इस खूबसूरत वक्त में, खूबसूरत दिन में, माओ की याद में जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम इन सब बातों को जानें और सीखें और अपनी माओ के लिए शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। आइए हम सब अपनी सरों को झुकाएं और दो मिनट के लिए दुआ करेंगे।